यूपीटीयू काउंसलिंग 2023 जो बच्चे एग्जामिनेशन काइंड ऑफ जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, स्टिल अभी कोई चॉइस फिलिंग का अपडेट नहीं आया, सोनी ही लिख के आ रहा है। तो मैंने वीडियो शूट बनाया हुआ था, मैंने बताया था इस वीक के एंड तक या फिर इस वीक में आने के चांसेस हैं। एक इम्पॉर्टेंट है जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूपीटीयू काउंसलिंग में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए जहाँ पे अलग से दाखिला वगैरह अलग से एडमिशन वगैरह हो रहे हैं। तो जैसे आप एक होता है लखनऊ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या पूरा प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। देखो यहाँ पे नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन, नोटिफिकेशन फॉर द बीटेक एंड बी फार्मा, यहाँ पे चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का वो है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग पर अगर आप क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है जैसे ही, तब तक आपको मैं नोटिस दिखा देता हूँ, नोटिस आपको क्या आया हुआ है। ये देखो, ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन 7/9/2023, 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 1 तारीख को स्टार्ट हो गया था, 2 तारीख है आज, और जब आपको ये वीडियो मिलेगी लगभग 3 तारीख हो चुकी होगी। तो 7 तारीख इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बीटेक, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है, मतलब ब्रांचेस जो लिखी सिविल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ सीट 60 सीट खाली यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है 120 सीट खाली है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भी 120 सीट खाली है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे इसमें भी 60 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट खाली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट खाली है। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ जो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा या फिर वेबसाइट का ही लिंक आप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप दोनों ही चीजें वहां से मतलब ग्रुप पे भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो दोनों ही चीजें आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये है आपका ऑनलाइन पोर्टल जहां से आप अप्लाई करोगे। तो स्टिल अभी ये लोड ले रहा है, देखता हूँ क्या इसका वो है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का तो ये आ रहा है, एंड इसका यूआरएल देखता हूँ कहाँ पे ओपन होगा। ये जो पूरा नोटिस है ना, आप इसको पढ़ सकते हो, इसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ये देख लो, आपके यहाँ पे सिग्नेचर भी है, प्रोफेसर ए के सिंह का यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे सिग्नेचर है आपका पूरा प्रॉपर। और ये जो पीडीएफ वगैरह है मैं आपको डाल दूंगा, एंड अप्लाई नाउ पे ऐसे ही क्लिक करोगे ना रजिस्ट्रेशन वगैरह पे, तो आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, इस पर क्लिक करोगे ना रजिस्ट्रेशन पे, तो ये पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर्स नेम, मतलब पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करके यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे एड्रेस वगैरह फिल कर देना, एड्रेस वगैरह सही फिल करोगे। यहाँ पे देखो पूछेगा बीटेक, बीटेक का ऐसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपका और सारी डिटेल्स मांगेगा, किस चीज़ का डिटेल्स वगैरह है। तो जिन बच्चों को ये फिल आउट करना है जाकर फिल आउट करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये भी अपलोड वगैरह करने होंगे। ठीक है, तो करने के बाद सबमिट कर सकते हो। अब कैसे फॉर्म को फिल आउट करना है इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो। तो होप सो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, वेबसाइट मैंने कॉपी कर ली है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप में दोनों में डाल दे रहा हूँ, तो आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लो। जो भी बच्चे नए आए हो
चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नोट्स वगैरह आपके अंडर प्रोसेस में है, बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, चीपेस्ट प्राइस रखा जाएगा जो आपके लिए सुटेबल हो। फिलहाल अभी मिलता हूँ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।